हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ ईजी। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चों के बर्थडे वाले व्लॉग में। ये व्लॉग मेरे दिल के बहुत करीब है और बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। तो अभी सुबह से शुरू कर रही हूँ। सुबह मैंने नाश्ते में बनाया था ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी शॉर्टकट में बताएं तो दूध की ताज़ी मलाई चाहिए, उसमें सब्जियां ऐड करनी है जिसमें शिमला मिर्च ज़रूर होनी चाहिए, इसके बिना टेस्ट नहीं आता। नमक डालेंगे, मिर्च डालेंगे, ओरिगैनो पाउडर डालेंगे और ऊपर से डालेंगे सॉस जब सर्व करेंगे, और जहां से फिलिंग लगाई है उस साइड से तवे पर सेक लेना है। इतना ही काम इसमें होता है तो क्विक सा टेस्टी सा नाश्ता आपका बन जाता है। और इसको टिफ़िन में भी रख दो तो ये टिफ़िन में भी ठंडा होने के बाद भी अच्छा लगता है। तो ये हो गया जी हमारा नाश्ता। अब जो अगला काम है कि थोड़ा सा घर जो है वो गेस्ट रेडी हो जाए, तो मैंने सफाई जो है वो जितनी करनी थी पहले ही कर ली कल तक ही। और दूसरी चीज़ जो थी मैंने एक बदल दी, बेडरूम की बेडशीट। तो ये प्रीमियम वाली जो सबसे अच्छी सुंदर सी एक बेडशीट मंगाई थी प्लेन में, ये अमेज़ॉन से मंगाई थी 1299 रुपये की। जो बेडशीट हॉल मैंने आपके साथ शेयर किया था ना दूसरे वाले चैनल पे, उसमें ये सबसे महंगी यही वाली थी और अच्छी लगती है। कलर कॉन्ट्रास्ट ऐसा है कि इस पर फ़ोटो वगैरह बच्चे बैठेंगे तो अच्छी आएगी, और सॉफ्ट तो ये है ही। तो इसको मैंने बिछा दिया। इन केस आप इंटरेस्टेड हो तो उस वाले चैनल पे आप इसका हॉल वीडियो देख लेना, वहाँ पर इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। अब ये कुछ धोने वाले कपड़े हैं और जो बेडशीट अब निकली है इसको भी लॉन्ड्री में लेके जाऊंगी। और हाँ, आपके जानकारी के लिए बताऊं कि ये मैं वॉश कर चुकी मशीन में, इन चादरों का कुछ भी नहीं बिगड़ा, बिल्कुल बढ़िया जा रही हैं, मशीन में भी अच्छे से वॉश हो रही हैं। अब कमरा ठीक ठाक हो गया है और मेरे हस्बैंड रेडी होके ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। और बच्चों की आज से ही ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई, बहुत एक्साइटेड थी वैसे तो वो अपने स्कूल जाने के लिए, फ्रेंड्स से मिलने के लिए, लेकिन रात को फिर आगे बच्चों के लिए छुट्टियां आ गई तो इसलिए ये आज से ऑनलाइन क्लास इनकी स्टार्ट हो गई, वो ले रही हैं। अब मैं अपनी तैयारी की बात करूं कि ठंड की हालत इतनी बुरी है कि मैंने इस बार कुछ भी आउटफिट ऐसा सोचा नहीं कि कुछ स्पेशल, वरना बच्चों के बर्थडे पे मैं हमेशा कुछ ना कुछ अपने लिए भी अलग सा निकाल के रखती हूं। तो मैंने अपना ये नीला वाला सूट पहन लिया जो अभी मंगाया है, और पहन लिया इसके ऊपर मैचिंग का स्वेटर। तो शॉल मैं दो लेके आई थी कि कौन सा इस पे जाएगा, मेन वो है कि केक कटिंग के टाइम पे फ़ोटो वगैरह खींचती हैं तो थोड़ा सा फोटोजेनिक कुछ पहन लो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मेमोरीज़ रहती हैं साल दर साल, अपने आप को भी बदलते हुए देखो और बच्चों को भी। तो मैंने जो है ये लगा के देखे तो मुझे ये वुलन वाला जो पिंक से कलर का दिख रहा है ये वाला शॉल जो है वो मुझे ज़्यादा समझ में आया। और एक ये चीज़ समझ में आई कि अगर ठंड रही इतनी ही जितनी अब लग रही है तो स्वेटर के सारे बटन बंद कर दूँगी तो नीट सा लुक आ जाएगा। फ़िलहाल मैंने ये दोनों शॉल जो हैं तय करके अभी यहीं रख रही हूँ नीचे, क्योंकि एंड टाइम पे पता नहीं इरादा बदल जाए। और सॉक्स पहन के मैं जा रही हूँ बाहर। अब यहाँ पर सुबह से जो है वो जब भी टीवी ऑन करो तो पहले बर्थडे सॉन्ग बज रहे हैं। सुबह की शुरुआत ही एक्चुअली बच्चों के बर्थडे की सॉन्ग से ही होती है, इनकी आवाज़ जो है मतलब गानों की आवाज़ से हम इन्हें उठाते हैं, हर बार यही रिचुअल होता है। ये भी है बट कॉपीराइट की वजह से गाने यहाँ पर नहीं मैं डाल सकती। अब बलून जो है वो क्लास के बाद ये खुद ही एक्साइटेड इतनी थी कि हम फुला लें। और लंच का टाइम हो रहा था तो मैं अभी जो आ गई थी, मैं किचन में आ गई थी कि ठीक है फुला लो, लेकिन मैं पहले फटाफट से खाना बनाती हूँ क्योंकि 1:15 बज रहा था। तो दिन में मैं बना रही हूँ तहरी, सिंपल मेथी दाना भूना तेल में, प्याज टमाटर डाले, सारे बेसिक मसाले डाले, आलू और मटर डाले हैं, चावल भिगो दिए थे तो 1/2 घंटे भीगे हुए ये चावल हैं। और उसके बाद इसमें 2 गुना के करीब मैं पानी डाल दूंगी तो ये बन जाएगी फटाफट से 1 सीटी में हमारी। सर्दियों में अच्छी लगती है गरम गरम जब घी डाल के खाई जाती है तो तहरी। अब ये छुक जाएगा। और जी दोपहर के बाद रात का जो खाना है वो रहेगा ही, चाइनीज़ भी है, सब्ज़ियाँ भी बाहर से आ रही हैं, मैं भी कुछ बनाऊँगी तो इसलिए अभी ये खिचड़ी हमारी जो तहरी थी वो सही जाएगी परफेक्ट गरम गरम। और टाइम से खाने के बाद फिर हम बाकी की तैयारियों में लग जाएंगे। तो अब मैं सबसे पहले जो है मेरा जब खिचड़ी छोंकने का काम ये हो गया ना तो मैं बर्तन का टोकरा खाली कर रही हूँ जो सुबह नहीं किया था, और उसके बाद जितने भी अब बर्तन हैं वो सब मैं धो के रख दूँगी ताकि किचन जो है वो क्लीन हो जाए। उसके बाद ऑफिशियली जो शाम के लिए मुझे चीज़ें बनानी है
दो चार, बस मैं उसके लिए जब आऊँगी किचन में तो किचन मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरी मिलेगी, अब तक का काम मैं निपटा दूँगी। तो मैंने फटाफट से ऑन किया किचन वाला गीज़र और बर्तन मांजने शुरू कर दिए। सबसे पहले भी सारे बर्तन जो है वो पानी से निकाल रही हूँ, और जी इतने बच्चे जो हैं वो खिचड़ी हो जाएगी उसके बाद वो लोग खा लेंगे। अभी इतने में बर्तन मांज रही थी ना तो उसमें सीटी आ गई थी और बर्तन इतने निपटे निपटे इतना उसका प्रेशर निकल गया था। जब भी मैं अपने घर पे छोटा सा कुछ भी गेट टुगेदर प्लान करती हूँ तो कोशिश इस तरीके की रहती है काम को लेकर निपटाने की, कि ऐसा ना हो कि जब गेस्ट आए या जब पार्टी एक्चुअली शुरू हो, जब हम लोग सच में बैठे हैं साथ में सब लोग जमा हो, तो उस टाइम में किचन में इतनी ज़्यादा बिजी रहूं कि मैं सारे मोमेंट्स जो हैं वो मिस कर दूं। और दूसरी एक कारण ये भी है कि फ़ोटो खींचने का या कुछ भी मस्ती मजाक शुरू करने का या फिर डांस शुरू करने का, ये सब चीज़ें, या बच्चे आप इनके बर्थडे पार्टी में आप देखना, गेम्स सबसे ज़्यादा, मतलब जो चार्म होता है बच्चों को पार्टी का वो गेम्स का होता है। तो उसमें जो है सारा वो रोल प्ले जो है वो ज़्यादातर मैं ही, मेरा ही रहता है। अब अगर मैं उस टाइम पे बिल्कुल बिजी रहूं या फिर मैं इतनी थक लूं कि उस टाइम के लिए एनर्जी ही ना बचे, तो फिर हो जाती है कि ये कि इतनी मेहनत भी करी और बच्चों को मज़ा नहीं आया, वो वाली बात हो जाती है। तो मेरा इस तरीके का ही शेड्यूल चल रहा है कि अब दोपहर तक का बिल्कुल डॉट सारा काम निपटा दूंगी और शाम के खाने की भी प्लानिंग इस तरीके से करूंगी कि बच्चों के लिए मेरे पास कम से कम 1 से 1.5 घंटा उन्हें केवल गेम्स खिलाने के लिए हो, जिसमें मैं भी इंजॉय करूं और बच्चे भी। अब ऑफिशियली सारी किचन जो है वो साफ़ हो गई, सब बर्तन अच्छे से धुल गए हैं, स्लैब भी मैंने दोबारा पूरी साफ़ कर दी है, खिचड़ी में अब प्रेशर ख़त्म हो चुका, 1:05 है और बच्चों ने कुछ एक बैलून फैलाए और फिर वो अपना टीवी में फिर बैठ गए थे। इतने आ गए थे ऑफिस से वापस मेरे हस्बैंड, तो फटाफट उन्होंने जो है चारों की खिचड़ी सर्व कर दी। अब आपको दिखाती हूँ ये एक काम की चीज़, एक्चुअली ये मैंने लास्ट टाइम मंगाई थी लेकिन शादी चल रही थी प्रियंका की, तो उसने बोला कि डेकोरेशन वहाँ पे हुई हुई है, केक कटिंग वहीं कर लेंगे। ये ना प्लास्टिक के हैं, इसमें बलून आप फंसा दो तो जो राउंड फ्लावर आप देख रहे हो ना शॉर्ट्स वगैरह में, अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी कर लो, कई बार मैं वहाँ पर पहले अपडेट पोस्ट कर देती हूँ। तो इसमें जो है बलून को गांठ मार के आप जब इसमें फंसाओगे इजीली फंस जाएगा और बड़ा नीट सा ये फ्लावर बन जाएगा। तो मैं, मतलब मुझे आइडिया था कि कैसे लगना, इन तीनों के लिए नई चीज़ थी बिल्कुल, तो ये लोग बस अभी फुला रहे थे, तो मैं एक बार बैठ के जो है इसमें सही से लगा के दिखा रही हूँ कि ऐसे करके ये फ्लावर जो है वो बन जाएगा। और बैक साइड से देखो ये ऐसा लगेगा, छोटे फ्लावर हो ना तो इसमें 7 फ्लावर भी आ सकते हैं किनारे पे, लेकिन ये वाले साइज़ के इसमें 5 ही आ रहे थे। अब इन्हें भी समझ में आ गया था तो इनको ये लगा बच्चों को कि गेम, हालांकि इनका बर्थडे है, अगर ये स्कूल जाती तो फिर ये डेकोरेशन इनके लिए सरप्राइज़ होती जब ये वहाँ से आती, लेकिन अब ये स्कूल नहीं गई तो ऑनलाइन क्लास के चलते, और अभी अदिति अनंत भी नहीं आए हैं, तो इसलिए इन्हें ये लग रहा है कि बस हम ही सब कुछ कर लें। इन्हें सरप्राइज़ से ज़्यादा मतलब फुलाने की और सजाने की लग रही है खुद। तो मैं जो हूँ ये मैंने पंप ले लिया जिससे पूल जो आता है ना उसके साथ ये आया था, तो बिग बॉस चला लिया था मैंने, इतने ही हम बैठे बैठे काम कर रहे थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि देख लूँ, लेकिन एक्चुअली बिग बॉस आप जो देखते हैं उन्हें पता होगा, ध्यान से सुनो तभी समझ में आता है एपिसोड, आनंद भी तभी आता है देखने का। तो आधे घंटे करीब ये चला जब तक हम लोग बलून वगैरह फुला रहे थे, फिर मुझे लगा कि ये समझ में आएगा नहीं और फिर काम के लिए भी लेट हो जाएगा, पूरा तो एपिसोड फिर भी नहीं होना, तो ये सोच के फिर मैंने जितनी देर बस बलून फुलाए थे उतनी देर इसको चलाया, फिर टीवी बंद कर दिया। अब ये देखो जी हमारे कई सारे फ्लावर जो हैं वो रेडी हो गए। अब क्या होता है कि ये वाले फ्लावर जो हैं दीवारों पे, झूले पे, जहाँ पे भी लगने हैं, पंखे वगैरह पे, वहाँ लग जाएंगे। तो उससे पहले मैं हमेशा जब बलून फुला के हम लोग ढेर लगाते हैं, फ्लावर तो इसी बार बन रहे हैं, तो मैं बच्चों का फ़ोटो सेशन जो है बलून्स के साथ ज़रूर करती हूँ हर बर्थडे पे। तो उसी वजह से मैं जो हूँ अब आरोही का थोड़ा सा मेकअप कर रही हूँ, इसको तैयार कर दूँगी। अच्छा, आराध्या ने आज अपना पूरा तैयारी खुद की है, सब कुछ हेयर स्टाइल मेकअप, और लग भी ठीक रही थी तो उसने तो मना कर दिया कि मुझे ज़रूरत नहीं है, बाकी आरोही को मुझसे ही कराना था तो उसका मैं कर रही थी। उसी दौरान अदिति और अनंत को भी ले आए थे ये, और फिर आ गई थी इनकी बुआ भी। बैठो बैठो, हैप्पी बर्थडे दीदी। अरे मेरी मैया, बिंदी बुंदी लगा, हम तो तैयार।
अब आरोही का बस हेयर स्टाइल रह गया था, तो एक साइड से वही टक करके, थोड़े से ट्विस्ट करके एक साइड से टक करके दूसरी साइड के ऐसे ही फ्लो होने देंगे। ये हेयर स्टाइल अच्छा लगता है थोड़ा सा गाउन पे, मतलब क्यूट सा लगता है, और ज़्यादा इसमें टाइम लगता नहीं तो सही रहता है ये वाला। तो ये वाला मतलब बना दिया आराध्या और इसका, अब एक सा हो गया तो ज़्यादा सुंदर लगता है। उसके बाद फिर मैंने इनकी बच्चों की, चारों पांचों ही थे यहाँ पे, इनकी फ़ोटो खींची, एक दो शॉर्ट्स बनाए। और जी उसके बाद मतलब ये था कि शूट सब करती जा रही थी, बाकी आज इतना बिजी था कि आप समझ सकते हो, अगर घर में कोई अलग से काम फैला लिया हो तो फ़ोन हाथ में आता ही नहीं है, ये रिकॉर्डिंग वाला फ़ोन चल रहा है बस व्हाट्सएप पे। आज अब ये इतनी बड़ी हो गई कि अपनी जो बर्थडे विशेज आ रही थी उनको खुद ही रिप्लाई कर रही थी, थैंक यू वगैरह खुद ही टाइप करती जा रही थी। अब इनके फ़ोटो सेशन के बाद ये जितने भी बलून वाले फूल हैं इनको हमें डेकोरेट करना था, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो सीढ़ी लगा के अपना इनको पंखे वंखे पे पूछते जा रहे थे, लगाते जा रहे थे। मेरा काम ये था कि सारा सामान जो है उसमें लगाने के लिए ग्लू ड्रॉप्स या बर्थडे की पट्टी या कुछ और, ये सब चीज़ें मैंने निकाल के रख दी थी, और मैं आ गई थी जी फटाफट किचन में। अब ऐसा है, शाम का मेन्यू क्या है, ये बिना प्याज लहसुन की एक सब्ज़ी बनेगी मेथी आलू की, जो मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि जो बराबर में चाचा जी हैं वो प्याज लहसुन नहीं खाते, तो ये है एक सब्ज़ी रायता, और रोटी या पूड़ी जो खाएंगे वो बन जाएगी, और जी जो मैंने पेड़े बनाए थे वो हो जाएंगे। तो उनका बिना प्याज वाला ये है कि एक सब्ज़ी मैं बना लूँगी, बाकी सब्ज़ियाँ आएंगी बाहर से। तो इसमें बस मैंने हरी मिर्च डाली है तेल में, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है बस, इसमें और कोई चीज़ नहीं डाली। यहाँ सब्ज़ी छुक गई थी मेथी की। अब दूसरा काम क्या था, चावल बनाऊंगी जो दावत में बनते हैं जिस तरीके के, खड़े मसाले और काजू वगैरह से छोंक के वो वाले। तो मैंने 2.5 कटोरी के करीब चावल निकाले, इनको वॉश किया, इतने एक बार जो है वो सब्ज़ी को चला दिया। अब इसे दोबारा ढक देंगे और दूसरी बार तक इतने ये सब्ज़ी जो है वो अच्छे से हो जाएगी। इतने मैं निकाल रही हूँ चावल के लिए खड़े मसाले, तो बड़ी इलायची, काली मिर्च, थोड़ा सा तेज पत्ता निकाला है, वो पहले वाला जो शीशी थी वो ख़त्म हो रही है, उसके बाद मैंने नया एक और निकाल लिया। अब कुकर में देसी घी डाला, उसमें जीरा तड़काया और ये सारे खड़े मसाले भून लिए। उसके बाद डाल दिए मैंने थोड़े से इसमें काजू, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी, उसके बाद इसमें डाल देंगे धुले हुए चावल। अब आप सोच रहे होंगे कि चावल बनने शाम को है, मैं अभी से बना रही हूँ। इसमें 2 गुना पानी डाल के मिक्स करके ढक्कन लगा के और गैस बंद कर दी जाएगी, सिंपल। यहाँ मैंने चावल को भिगोया नहीं था, तुरंत अभी धोए हैं, अभी छोंक दिए। सीटी इसमें तब लगेगी जब हमें खाने होंगे उसके हिसाब से, और ये बिल्कुल भी नहीं घुटेंगे, कुछ नहीं होगा इनमें। तो 2 आइटम हमारे हो गए, सब्ज़ी बन गई, चावल छुक गए। 3:30 बजे हैं, आधा घंटा मुझे हुआ है, 3 बजे के करीब मैं लगी थी। अब तीसरा आइटम जो रेडी करना है वो लेना है रायता। तो ये दही का पैकेट 1 किलो वाला है, इसको मैंने पूरा पहले खाली कर लिया भगोने में, फिर इसमें से मैंने फेंटने के बाद, ज़्यादा लग रहा था रायता क्योंकि सर्दी में इतना हर कोई खाएगा नहीं, तो मैंने थोड़ा सा दही इसमें निकाल दिया। और खाने लायक बूंदी का रायता बनाऊंगी, तो ये अभी तो बहुत गाढ़ा है, थोड़ा सा इसमें पानी मिलाया मैंने आरओ का, जितना ये रहे कि गाढ़ा गाढ़ा रायता बन जाए। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी ये बूंदी, थोड़ा सा बूंदी भी ना ये मसाले वाली है, तो ये भी मतलब अपना टेस्ट देगी। और ये मैंने हींग जीरा जो है वो भून के रखा हुआ है वो डाल दिया, और इसमें डाल दिया मैंने काला नमक, ये 3 चीज़ें डल गई। और आप चाहो तो इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ तीखा जो है वो ज़्यादा कोई पसंद करता नहीं ये वाला, तो मिर्च मैं नहीं डालती इसमें। और आखिरी चीज़ इसमें जाएगी हरी धनिया, तो ये चारों चीज़ें मैंने मिक्स करके रख दी, और नमक अगर गर्मी होती तो मैं अभी नहीं डालती, लेकिन ठंड है इसलिए डाल दी। चौथी चीज़ है जी, अब मुझे आटा गूंथ के रखना है, तो आटा मैं ऐसा गूंथ रही हूँ कि अगर पूड़ी बनानी हो तो वो भी बन जाए, और अगर रोटी बनानी हो तो वो भी बन जाए। तो मैंने मोवन वगैरह नहीं डाला है, लेकिन आटे की कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरीके की है, बीच की सी। अब आटा गूंथने के बाद इसको मैंने थाली से ढक के रख दिया। ये है जी रिटर्न गिफ्ट, इस बार कोई टॉय नहीं है, सारे खाने पीने के आइटम हैं। अब चलते हैं किचन में, तो ये तो वो गुड़ की पट्टी जो थी चॉकलेट जैसी वो है, ये अब ख़त्म होने वाली है। मेथी आलू हो गए, रायता हो गया, आटा गुथ गया, और इसमें चावल भी, मतलब मेरा काम ख़त्म। और 4:10 बजे हैं, तो अभी इन 10 मिनट में मुझे समेटनी है ये सारी जो फैली हुई किचन है, स्लैब साफ़ करूँगी और सारे जो हैं वो बर्तन अब तक के बिल्कुल साफ़ से धो के रख दूँगी। तो जब मुझे खाना शाम को रेडी चाहिए उस टाइम पे सिर्फ मुझे चावलों में पहले थोड़ा सा आधा घंटा पहले कम से कम उसमें गैस जलानी पड़ेगी ताकि सीटी लग भी जाए और प्रेशर भी निकल जाए, और जब एक्चुअल में खाना शुरू होगा तब मैं रोटी या पूड़ी जो भी कहेंगे सब वो बनेगा, बाकी काम मेरा ख़त्म।
जो सब्जी है पनीर की और मंचूरियन की, वो बाहर से आएगी। तो थोड़ा बाहर से मंगा लूँ, थोड़ा सा घर से बना लेती हूँ। तो इस तरीके से ये है कि काम भी हो जाता है, पेट भर के लोग खा भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर के पराठे, और वो कई बार मेरा तो पेट उनमें भरता नहीं। और ऐसा भी नहीं होता कि सारी चीज़ें मैं घर पे ही बनाऊं और उस चक्कर में बच्चों का जो है इंजॉयमेंट मैं ना करा पाऊं। वो काम भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है और मेरा ही है। तो इस तरीके से प्लान करके चलते हैं। अब स्लैब वगैरह मैंने सब साफ़ कर दी, अब ये किचन है जो जब गेस्ट आएंगे तो उस टाइम पे ऐसी विजिबल होगी। अब बजे हैं जी 4:10, और बच्चों को मैंने कहा था कि 4 बजे के बाद गेम शुरू करा दूंगी, तो अब इनसे वेट करना हो रहा है मुश्किल कि ताई जी गेम शुरू करवा दो। लेकिन गेम शुरू कराने से पहले मैं थोड़ा सा मतलब तैयार, मुझे जितना होना है शाम के हिसाब से मैं अभी हो जाऊंगी, क्योंकि एक बार इनके गेम शुरू करवा देती हूँ तो उसके बाद फिर सीधे केक कटिंग का नंबर आ जाता है, तो फिर रेडी होने का मौका नहीं मिलेगा अगर मैं अब ना हुई। तो फिलहाल आपको मैं दिखा रही थी, एक क्लिप मैंने ये बनाई थी डेकोरेशन की, सारे फ्लावर जो हैं वो अलग अलग जगह पर लगा दिए, और ये बच्चे हो गए थे अपनी छोटी बहन के साथ बिजी। इनके लिए एक खिलौना है, बस कभी कभी आंखें खोलती है फिर भी उसको घेर के बैठे रहते हैं कि हाँ ये मतलब एक रहती है ना क्यूरियसिटी। तो इतने आप लीजिए ये टूर, कैसा डेकोरेशन हुई हुई है, और उसके बाद फिर चलेंगे हम तैयार होने के लिए। मैंने सबसे पहले तो मौसम ऐसा हो गया था कि मैंने स्वेटर हटा दिया, अब मैं उसके अकॉर्डिंग तैयार होंगी कि स्वेटर मैं नहीं पहन रही हूँ, और क्योंकि मैं थक गई हूँ और फोटो में डार्क सर्कल मेरे लुक को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैंने थोड़ा सा कंसीलर लगा लिया, उसको सेट कर लिया उसके बाद, और फिर मैं उंगली से ही आई शेडो जो है वो कॉर्नर की साइड पे हल्की सी गोल्डन वाली, जो मेरी सूट की एम्ब्रॉयडरी से मैच हो जाए, और पिंक से कलर का मैंने कॉर्नर क्रिएट कर लिया ताकि थोड़ी सी पार्टी मेकअप वाला लुक सा आ जाए। इस ये क्विक सा मेकअप हो जाता है, 5-7 मिनट ही इसमें लगते हैं, लेकिन बढ़िया सा हो जाता है, ठीक ठाक। बाकी स्किन पे मैंने फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लगाया है, क्योंकि उतना ही काम मेरी डेली CTM प्रोसेस और जितनी स्किन केयर मैं कर लेती हूँ उससे काम चल जाता है। बस मुझे कई बार अगर लग रहा है कि हाँ कुछ स्पेशल सा दिखना है आज, या ज़्यादा फ्रेश दिखाना है चेहरे को, तो मैं डार्क सर्कल रिमूव करने के लिए बस कंसीलर का यूज़ कर लेती हूँ। और जितना मेकअप मेरा हो रहा था उतने में ये लगातार इनके हंसी मजाक और पता नहीं मोए मोए क्या क्या म्यूज़िक बजा रही थी, अपना चला रही थी और हंस रही थी। तो मुझे इनकी बातें सुन के बड़ा मज़ा आ रहा था, साथ साथ मैं तैयार होती जा रही थी। अब मेकअप के बाद फिर मैंने हेयर स्टाइल का सोचा, तो मैंने भी बेटियों वाला ही एक साइड से टक करके दूसरी साइड से फ्लो वाला ही सोचा कि छोड़ देते हैं, ऐसे वाला ही। अब जो मैंने सुबह देखा था ना वो शॉल, अब इसके साथ देखो जब स्वेटर हट गया तो कितना परफेक्ट लुक आ रहा है। तो स्वेटर से इसका लुक डिस्टर्ब हो रहा था, तो यही सोचा था कि या तो स्वेटर को पूरा बटन बंद कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, या फिर स्वेटर हटा देंगे। अब इतने में तैयार हुई ना तो जिया जी भी आ गए थे शाम को अपना ऑफिस से काम वाम निपटा के। अब ये जो हैं बच्चों के साथ खेलने के टाइम पे आ गए, तो इनकी टाइमिंग बिल्कुल बढ़िया रही है, बच्चे और खुश हो गए कि अब तो फूफा जी भी खेलेंगे, और वो भी एक्साइटेड थे कि मैं सही टाइम पे आया हूँ। लेकिन पहले मैंने उनके लिए चाय बनाई, फिर गेम शुरू उसके बाद कराऊंगी। तो इनकी चाय के बाद शुरू होंगे जी गेम्स। इसका वेट रहता बस बच्चों के बर्थडे, मतलब ये है खिलाड़ी, ये सबसे छोटा निकल के। हाँ, जीतने वाले के लिए, हर गेम के विनर के लिए एक छोटा सा इनाम है हमारी संस्था की तरफ से। रुमाल रहेगा बीच में, मैं जान गई। ठीक है, मैं भी जान गई कौन सा गेम है। दो लोग बताओ, इसे पकड़ना होता है। पकड़ना है लेकिन कैसे? घूमते नहीं ना, यही तो बात है, घूमते नहीं। ठीक है, अब मैं आवाज बोल रही होंगी, हेड शोल्डर नीज मैंने पकड़ लिया, नीज पकड़, तो तुम्हें नीज पकड़ने हैं, शोल्डर शोल्डर पकड़ने हैं, हेड हेड पकड़ना, और जैसे मैं कहूंगी हैंकी तो हैंकी पकड़ना। ओके, आप उसमें जो अटेंटिव होगा और जिसने सबसे पहले हैंकी सुन के पकड़ लिया वही विनर। ठीक है, दो जनों में। हाँ दीदी, शोल्डर नीज, शोल्डर हेड, शोल्डर नीज, हैंकी।
चुटकी के बिहाव पे उसके माता पिता आ रहे हैं पार्टी में योगदान देने के लिए। क्या करना है? फूफा जी मैदान में आते हुए चलो अभी शोल्डर नीज दोनों हाथ चलाओ दोनों ही चल रहे हेड शोल्डर नीज हेड नीज हेड शोल्डर हैंकी शोल्डर नीज शोल्डर हेड शोल्डर नीज हेड शोल्डर हैंकी। इस गेम की फिलहाल उधारी चल रहा है, हमारी चल रही है क्योंकि चाय। हाँ जी भाइयों बहनों, अगले गेम का नाम है फील एंड ड्रॉ। ठीक है, तो आपके पीठ पे एक जना ड्राइंग करेगा कुछ और आपको वो ड्राइंग बोर्ड पे करनी है। बनाना था और ओए यही वाह देखा बहुत सिंपल है, बस ये पता चल जाए तुझे। पूरा कंसंट्रेट कर, हाँ कंसंट्रेट कर, बन जाएगा फिर। आप भी चलो, ये बिल्कुल सही बन गया। तुम दोनों की बात। अब नया खिलाड़ी मैदान में, चलो बनाओ पीठ पे। चाची बाल हटा लो। चाची के साथ फेयर गेम हो रहा, पता चलना चाहिए। हाँ भाई बनाओ, फिर से बनाओ आराम से, धीरे धीरे बना ताकि समझ में आए। इसमें अलग ही बनता है, जब भी मजा आता है उसी तो नहीं आती है। ये लिख रही है अपना दिल बना के पुनीत का पी। नेक्स्ट गेम इज पेंगुइन वॉक। ये आपको बिछा लिया, पैर जमा लिए, ठीक है। अच्छा, अब इस पे हाँ ऐसे ही चलना है कि इसे साथ लेके चलना तुम्हें। अब जाना काम, पहले तो खिसका के देख लो, नहीं तो कपड़ा बदले। टाइमर भी लगाना पड़ेगा। हाँ रुकना मत, लेके आ जाना जो आगे पीछे होगा वो भी काउंट हो जाएगा। हाँ पता लग जाएगा, चलो 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 आराम से। भाई हाथ नहीं पकड़ना। आओ जल्दी जल्दी आओ, अलग हो जाओ तुम, अब की बार थोड़ा सी गैप बना कर चलो। नेक्स्ट गेम टॉवल, फोल्ड द टॉवल। बलून को ऊपर ही रखना है, हाथ से पुश करते जाना और टॉवल तय करते जाना, जो पहले तय कर देगा बलून बिना गिरे वो जीत जाएगा। स्टार्ट। देखते रहना भाई किसका अरोही विनर, अगली जोड़ी आ जाओ। दूर को मत मार, नहीं तो मारने में और एनर्जी लगानी पड़ेगी। अदिति विनर, ये कोऑर्डिनेशन गेम है, दोनों में से कोई डंडा गिरना नहीं चाहिए। बाकी बच्चे अटक लगट जाओ, ये लोग फिर तेजी से आएंगे। अपनी अपनी जगह ले ली, स्टार्ट।
मम्मी दीदी टेढ़ा करके छोड़ी है, सीधा छोड़ो नहीं तो तुम्हारी टीम हार जाएगी। टीम टू में आए 11, अब टीम थ्री उधर से हमने 11 वन अब ये लास्ट गेम है इनका लाफिंग चैलेंज, किसी दूसरे को हमें हंसाना है अपनी फनी हरकतों से। तो ये इनका लास्ट चल रहा था, इसके बाद जो है म्यूजिकल चेयर वगैरह बाद में अगर टाइम बचा तो म्यूजिक जब बचेगा तब करा लेंगे। फिलहाल केक कटिंग का टाइम हो रहा था लेकिन पुनीत और नेहा के आ गए कोई गेस्ट तो वो लेट हो गए, मतलब अटेंड नहीं कर पाए। अभी हम लोग उनका वेट कर रहे थे, फिर 7:15 करीब मैंने चाचा जी और चाची जी के लिए रोटियां सेक दी फटाफट से कि पहले उनकी थाली जो है वो भिजवा दूँ। तो प्रियंका जो है उनको देख के आ रही है। इसके बाद फिर केक कटिंग करनी पड़ी क्योंकि लेट हो रहे थे और पुनीत और नेहा का फ़ोन आ गया था कि बच्चों को लेट मत कराओ, हम लोग फिर खाने के टाइम तक आ जाएंगे, केक सेरेमनी आप लोग कर लो। तो फिर मयंक जिया जी और प्रियंका ने जो है मिलके केक कटिंग करवाई, इनके साथ फिर हम लोगों ने इन्हें केक वगैरह खिलाया और फाइनली ऑफिशियल जो बर्थडे सेरेमनी होती है वो शुरू हो गई। अपने अब तक के जीवन काल में अगर किसी चीज़ के लिए मैंने सबसे ज़्यादा वेट किया है, सबसे ज़्यादा रोई हूँ, सबसे ज़्यादा प्रार्थना की है भगवान से, वो ये दोनों ही थी। संतान का सुख जिसके बिना ऐसा लगता था कि जिया ही नहीं जा रहा है, और आज जब इन्हें अपने बाहों में हम भर लेते हैं तो लगता है बस जो चाहिए था सब मिल गया लाइफ से। अब इसके बाद जी केक खाने का प्रोग्राम शुरू हो गया क्योंकि अब बच्चों को लग रही थी भूख, दोपहर से ये टाइम आ गया इनको लगातार खेलते खेलते। तो सबसे पहले सबने खाया केक, मैंने भी खा लिया, और उसके बाद फिर फटाफट से जो पहले चाइनीज़ मंगाया है ना बच्चों के लिए, मंचूरियन, चाउमीन और जी मोमोज़, ये सब चीज़ें जो आई हैं, तो मंचूरियन तो खाने के साथ चलेगा, बाकी चाउमीन और मोमोज़ ये दोनों चीज़ें पहले बच्चों के लिए सर्व की, और उधर मैंने रोटियां सेकनी शुरू कर दी थी और प्रियंका खाना सर्व कर रही थी। तो पहले मैंने जिया जी के लिए और अपने हस्बैंड के लिए, अभी यही लोग अवेलेबल हैं, पुनीत और नेहा अभी हैं नहीं और मैं और प्रियंका अभी किचन में हैं, तो इनकी थाली लगा दी। तो थोड़ी थोड़ी सी सारी चीज़ें मिलके एक अच्छी सी थाली जो है वो रेडी हो गई। बाहर से जो सब्ज़ियाँ आई हैं वो मंचूरियन और पनीर की सब्ज़ी मंगाई थी, बाकी दो मतलब मेथी आलू और रायता हो गया, चावल हो गए और रोटी सब ने बोला तो रोटी सीखी थी। अब हम दोनों जो हैं सब लोग बच्चे और दोनों ये लोग खाना खा चुके हैं, तो अब हम दोनों खाना खा रहे हैं और हमारी सहेलियों की बातें चल रही हैं। इसके बाद अभी तक के जितने बर्तन भी हुए थे ना बच्चों के, इनके खाए पिए, वो सब मैंने धो दिए थे और किचन साफ़ कर दी थी। अब जब पुनीत और नेहा आएंगे तो फिर मैं उनके लिए रोटियां सेक दूंगी। तो यहाँ इसके बाद ना मैंने फिर किचन क्लीन कर दी थी और फिर जो वेट का टाइम था उसमें फिर क्लिक कर ली कुछ एक फ़ोटोज़ हम दोनों की नहीं हुई थी। और जी अभी प्रियंका अपनी बिटिया को देखने के लिए थोड़ी देर वहाँ गई थी, फिर पुनीत और नेहा आए और जी ये थाली में उन्होंने आते ही अपने आप अपना खाना वाना सर्व करना शुरू कर दिया। तो नेहा जो थी रोटी के टाइम पे भी वो खड़ी रही कि नहीं पहले बना लो फिर हम खाएंगे वहीं पे बैठ के। हम सब लोग खा ही चुके थे तो इतने इन्होंने खाना खाया, इतने मैंने जो है किचन जो है दोबारा से अब फाइनल जो है साबुन का कपड़ा मार दिया मैंने गैस पे हल्की सी, और तब अब बर्नर, ये रात वाली सफाई चल रही है, आज सुबह से ये तीसरी बार हो रहा है लेकिन अभी ये रात वाली क्लीनिंग चल रही है। तो अच्छे से मैंने सारा इसके नीचे तक जो रात में क्लीन करती हूँ उस तरीके से ही होता जा रहा है, और इस टाइम कंटिन्यूसली हमारी बातें चल रही हैं। सारी किचन क्लीन करने के बाद अब सब लोग जमा थे, जिया जी घर वापस जा चुके थे, तो फिर हम लोगों ने अपनी फ़ोटो जो बचे खुचे हम थे उनकी फ़ोटो खिंचवाई। और जी बच्चे जो हैं इस टाइम पे अपने गिफ्ट्स वगैरह खोल चुके, तो इनका ना तो सोने का मन था और ना ही वापस घर जाने का, लेकिन कल स्कूल है तो इसलिए जाना तो पड़ेगा, इसलिए अब समेटने का इन्हें आदेश जारी हुआ कि ये सब समेटो और सोने की तैयारी करो। तो अब जो है इनका बर्थडे का दिन समाप्ति की ओर है। अदिति अनंत को छोड़ने जा रहे हैं पुनीत भैया क्योंकि वो प्रियंका को भी छोड़ने जाएंगे, और जी वो एक साथ इन्हें छोड़ने चले जाएंगे, और यहाँ हमारा जो है वो चल रहा है कि गुड बाय टाइम, गले वले मिल के फिर सबको बोला गुड बाय और अब ये सब जाएंगे। तो।
तो जी इसके साथ ख़त्म होता है हमारे बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन वाला दिन और ये व्लॉग भी। अगर अच्छा लगा हो, कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ भी बात पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटिफुल ऑलवेज़।